यूनिट 3 क्राइम ब्रांच को एक इंफॉर्मेशन था कि इतवारी नेहरू चौक में एक आदमी अपने दुकान में सुगंधित तंबाकू बेच रहा है, तो हमने उसके ऊपर रेड किया। इसब नामक रुपेश नंदनवार, इसको हमने ताबे में लिया और उसके दुकान में हमको 16 बोरी सुगंधित तंबाकू अलग अलग ब्रांड के मिले थे। तो हमने उसके बारे में उससे पूछताछ किया, तो उसने एक दत्तू सराटकर करके एक टेम्पो वाला है, मारुति वैन है उसके पास, तो उसने वो माल सप्लाई किया है शाम को, जानकारी दी। तो हमने उसको भी फिर ताबे में लेके उसके पास इंक्वायरी किया, तो वो जो माल है वो दुर्गेश अग्रवाल नामक इसम का है और वो कोराडी पुलिस स्टेशन के हद में बोकारा करके गांव है, वहाँ पे वो बनाता है, ऐसा हमको मालूमात मिला। तो हमने हमारे सीनियर ऑफिसर्स को इसके बारे में जानकारी दी और उस जगह पे रेड किया। वहाँ से हमने जो पैकिंग, सीलिंग, लेबलिंग, उसके ऊपर कीमत का पेंटिंग करने वाले कुछ मशीन्स और कुछ माल, ऐसा सब माल हस्तगत किया है। सब यहाँ का लकड़गंज का पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो माल मिला और वो कुराड़ी के जुरिडिक्शन में जो मिला, कुल मिलाकर 12 लाख का उसमें सुगंधित तंबाकू है और मशीनरी गाड़ी सब मिला के 18-19 लाख के आसपास सब रिकवरी हमने किया है। तो इसमें आरोप अभी हमने इसमें 2 आरोपी हमने ताबे में लिए हैं, एक है रुपेश नंदनवार और दत्तू सराटकर। दुर्गेश अग्रवाल जो है वो हमको अभी तक नहीं मिला है, उसका सर्चिंग चालू है और इनके पुराने रिकॉर्ड के बारे में अभी तक हमने सर्च नहीं किया।